मधुबनी जिले के नगर परिषद झंझारपुर के चर्चित अरस बाजार में लगने वाले भीषण जलजमाव को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर जिला प्रशासन और राजनेता पहली बार काफी गंभीर दिखे और इसके स्थायी समाधान को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों संग बैठक की। आज नगर परिषद कार्यालय सभागार में जिला उप विकास आयुक्त विशाल राज, स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा, विधान पार्षद अंबिका गुलाब यादव, नगर परिषद के सभापति बबीता शर्मा ने जल संसाधन, रेलवे, पीडब्ल्यूडी व अन्य विभाग के अधिकारियों संग बैठक की। स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा ने झंझारपुर आरएस बाजार में बरसात के समय लगने वाले भीषण जलजमाव की समस्या को काफी गंभीर बताया और इसका आगामी बरसात से पूर्व समाधान पर जोर दिया। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों से उसकी राय मांगी गई। उप विकास आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को एक साथ स्थल निरीक्षण कर सपोर्ट जिला प्रशासन को भेजने का निर्देश दिया। साथ ही स्थानीय नगर परिषद प्रशासन को इसके लिए हुडको को मास्टर प्लान तैयार करने के लिए पत्र भेजने का निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त का मानना था कि समस्या बड़ी है और नगर परिषद द्वारा इसका समाधान संभव नहीं है, ऐसे में इसका निदान नगर विकास विभाग के कार्य एजेंसी से करवाने का निर्णय लिया था। इस कार्य में 100 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हो सकती है। इसके अलावा नगर परिषद क्षेत्र के अन्य समस्याओं पर भी चर्चा हुई, जिसमें सड़क जाम, अतिक्रमण, आवास योजना व अन्य शामिल हैं। डीडीसी ने समस्याओं का निदान हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम, एसडीपीओ, अचल अधिकारी व अन्य मौजूद थे। झंझारपुर से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। किसी कारणवश वो नहीं आ सके, डीडीसी आए थे और जिला का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। एक विषय आप भी अवगत हैं कि ये जल जमाव हमारा जो अमान परिवर्तन का कार्य हुआ उसके बाद से इस क्षेत्र में बढ़ा है और लगातार कोशिशें भी हो रही हैं। बहुत बार आलोचना भी होती है लोगों द्वारा कि सिर्फ बैठकें होती हैं या सिर्फ पत्र ही लिखे जाते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि सरकार में कार्य करने का तरीका भी यही है। जब तक आप पत्र नहीं लिखेंगे, आप किसी पदाधिकारी के संज्ञान में विषय नहीं लाएंगे या उस पर बैठक करके निराकरण की दिशा में काम नहीं करेंगे, तो कोई फुल प्रूफ योजना नहीं बन सकती है। एक सीमा है, क्योंकि नेचुरल ड्रेन नहीं है, तो जब स्वाभाविक जल निकासी नहीं है तो अभी सॉल्यूशन सिर्फ पंप आउट करना ही है कि आप मोटर से आप पानी निकालें। तो आज जो तय हुआ, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स थे, सभी अभियंता थे, रेलवे के भी थे, सबसे राय ली गई और एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म की हम क्या काम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ये तय हुआ कि जो हमारी पंप करने की क्षमता है, जो हमारी कैपेसिटी है हमारी मोटर की, उसको हम बढ़ाएं। जो हमारा पाइपलाइन गया हुआ है उसमें हम बेहतर रूप से उसको कहीं अंडरग्राउंड करना हो, पाइप रिप्लेस करना हो, उसको हम करें, ताकि इमीडिएट जो हमको अगर अभी समय लग रहा है जल निकासी में, तो वो थोड़ा जल्दी हो। नगर निगम के क्षेत्र में तो समानता ये 100 करोड़, 150 करोड़ के आसपास या उससे अधिक भी जाता है। निर्भर करता है कितने क्षेत्र में आप ड्रेनेज की व्यवस्था कर रहे हैं और उसका पूरा एक फुल प्रूफ सिस्टम है। तो मुझको लगता है कि बुटको के जब लोग आएंगे देखने के लिए, तो वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से, और जब स्थानीय अभियंताओं से भी वो बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे, नगर परिषद में बात करेंगे, तो मुझको विश्वास है कि बुटको, क्योंकि अब इन विगत वर्षों में एक एक्सपर्टीज के रूप में उन्होंने अपने आप को एक एक्सपर्ट के रूप में डेवलप किया है, तो नगर क्षेत्र में उनके द्वारा कार्य योजना जो बनाई जाएगी, तो मुझको लगता है कि हमारे नगर परिषद क्षेत्र में जो जल जमाव की जो इशू है, हम उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। सर, जल जमाव पर अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा कि जल जमाव की त्रासदी आप भी काफ़ी झेले हैं। मैं विधायक यहाँ नहीं था, रेलवे से बात करके, रेलवे के द्वारा नाला बनवाना, वो सब गतिविधि हम लोगों ने प्रारंभ की और उसको करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी समाधान पूर्णतः इसका नहीं हो पाया। जहाँ तक आप अतिक्रमण का विषय कह रहे हैं, मैंने कहा कि अगर हम सैटेलाइट इमेजिंग भी करते हैं, देखिए अतिक्रमण शहरों में होता है, अब तो गाँव में भी हो रहा है, तो अतिक्रमण एक ऐसी सिस्टम है जो लगातार प्रशासन प्रयास करता रहता है। बहुत बार माननीय उच्च न्यायालय के भी निर्देश आते हैं, उस स्तर पर भी होता है, लेकिन अगर अतिक्रमण के कारण कहीं आप लोगों के मन में बैठा है कि जल जमाव का हमारा सॉल्यूशन उस कारण से नहीं हो पा रहा है, तो वो हम इसके कहने की स्थिति में